नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के विक्रम ज्योत के बगल में एक नेटवर्क पत्ती गांव है, उस गांव में आए हुए हैं। और आज हमारे जो इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, आप इस शेड को देख पा रहे हैं, ये मात्र 6 महीने पहले बनाया गया है। और कोई भी युवा साथी अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जो भी हो, सबसे पहले आप इस तरह का शेड पे खर्च ना करके आप इस तरह की पशु, इस तरह की अच्छी नस्ल की पशु पर खर्च करना पहले आप उचित समझे। तो सबसे पहले आप अच्छी पशु पर खर्च करें, क्योंकि पशु आपको दूध देगी, शेड आपको दूध नहीं देगा। और जब दूध मिलेगा तो उसका प्रोडक्शन जब होगा तो उसको मार्केट में सेल करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा, तब आप डेयरी में कुछ समय तक जाके स्टेबल कर सकते हैं, उसके ब्रीडिंग पर काफी अच्छा ध्यान कर सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस तरह का शेड अगर हम 30 पशुओं का शेड बनवाते हैं तो कितना खर्च आएगा, कैसे बनवाना चाहिए, किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए, हर एक चीज बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो में तो आपको अपडेट मिलता रहे। आप देख पा रहे हैं कि अभी मात्र 10:30 बजे का टाइम है और पशु का सारा फीडिंग डाल दिया गया है और ये पूरे दिन तक चलता रहता है ये इस तरीके से। तो इस तरीके की फार्मिंग होनी चाहिए, नेमी फार्मिंग टेक्नोलॉजी। हमारे चैनल पे आप जुड़ेंगे तो आपको देखने को। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर, और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये बता दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम सुधाकर तिवारी जी। मेरा फार्म विक्रम ज्योत के बगल में एक गांव नेतवर पट्टी है जी, वहाँ पे स्थित है। जिला हमारा बस्ती पड़ता है, तहसील हमारी हरैया है। जी। तो सर, आज का जो वीडियो होने वाला है, हम इसमें मूलभूत से ये बात करने वाले हैं कि अगर कोई बंदा डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, थोड़ा सा आप इस पे 2 शब्द बोलेंगे सर। सर, शुरुआत करने के लिए उसका अपना विषय कम से कम 5 गाय उसको लानी चाहिए जी, जो कि थोड़ा अच्छी गायें हों, 25 लीटर प्लस की गायें रहेंगी तो फिर अच्छा रहेगा उसके लिए जी। उसके बाद वो डेयरी स्टार्ट कर सकता है, तो बट उसके पास जी, कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए जी, जी। नहीं तो स्टार्ट में उसको दिक्कत आ सकती है। तो क्या शुरुआत में ही इस तरह का सेट बना लेना चाहिए या बाद में बनाना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में बनाए थे सेट का ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके रहन सहन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि जहाँ से हवा की पासिंग बढ़िया हो, ठीक है। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करती हैं, वो बाहर निकल जाया करे, गायों को गर्मी कम लगे जी। तो ये बेहतर छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे काम करना पड़ेगा उनको। तो मतलब बिना शेड का भी आप शुरुआत कर सकते हैं? जी 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 जी, बिना शेड का भी। अब हम बात करेंगे आपके शेड के बारे में, फार्म के एरिया के बारे में जी जी। तो टोटल मतलब कितना जगह आपका है सर, पूरा फार्म का एरिया? फार्म का एरिया तो मेरा सर, आप मान के चलो कि लेकर वहाँ तक एक जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो मेरे ख्याल से 100 फीट। अच्छा। हाँ जी, हाँ 100 फीट का ये लंबाई हो गई। हाँ। और उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे ख्याल से 80 या 90 फीट। अच्छा। होगा 100 बाई 80 में फीड वगैरह, लेबर वगैरह रहने का सब कुछ है? सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। अच्छा, तो ये जो शेड आप 2008 से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं जी जी, ये शेड आपने कब बनवाया सर? ये शेड हमने 6 महीने पहले बनवाया। मात्र 6 महीने पहले? जी 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 जी। अच्छा, तो इस शेड का आप डायमेंशन बताएंगे सर, स्ट्रक्चर बताएंगे, कितना भाई कितना में ये शेड आपका है? ये शेड तो हमारा है सर, आप 47 फीट इधर है। अच्छा। और 44 फीट इसकी चौड़ाई है। अच्छा, तो 44 फीट की चौड़ाई में सर क्या क्या आपने किया है इसके बारे में बताएंगे? अब 44 फीट की चौड़ाई में आप मान के चलिए कि 10 फीट मैंने इधर छोड़ दिया जी, यहाँ बैठने की जगह। अच्छा। है 11 फीट मैंने जी जी, बीच में फिर नाली हो गई, फिर 11 फीट इधर हो गया। अच्छा, ठीक है सर, ये मिट्टी वाला जगह बैठने के लिए? जी जी जी। अच्छा अच्छा, और उसके बाद बीच वाला जगह देखेंगे तो सर कितना? बीच वाला जगह मेरे ख्याल से सर 9 फीट। हाँ, 9 फीट। अच्छा, 9 फीट का ये जगह फीडिंग? जी जी जी। तो इस तरह का ये फीडिंग एरिया बनाने का आपका मकसद क्या है सर? लेबर कास्ट कम लगती है सर। अच्छा, लेबर कास्ट कम लगती है और जानवर के लिए भी बेहतर रहता है। आपका चारा दाना फीड खराब नहीं होगा जी, चूंकि आपने डाल दिया, जब उनकी इच्छा करेगी वो खाएंगी। चूंकि हाई यील्डर गायों की एक समस्या होती है, वो टाइमिंग से आपके नहीं खा पाएंगी। अच्छा, उनके पास फीड हमेशा पड़ा रहना चाहिए जब इच्छा होगी। जी जी जी। अच्छा, तो क्या पानी वगैरह की व्यवस्था अलग है? पानी दिन में इनको 3-4 बार पानी पिलाया जाता है। अच्छा, पिलाया जाता है। जी जी जी। और फिर इधर का जगह कितना? पानी का टंकी है यहाँ पे जी, जी। पानी पिलाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। और तो इधर का एरिया कितना भाई कितना का है सर? इधर का एरिया ये कितना भाई कितना, कितना जगह है, कितना फीट का है ये? तो पूरा सर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 से 15 फीट पड़ेगा। अच्छा, 15 फीट पड़ेगा। जी जी जी। इधर मतलब मिट्टी वाला जगह नहीं है? नहीं सर, इधर मिट्टी वाला जगह। तो अब हम शेड की हाइट के बारे में बात करें तो शेड की हाइट कितनी है सर? शेड की हाइट 16 फीट है, 16 फीट सेंटर में। और किनारे से? किनारे से 14 फीट। 14 फीट है जी।
तो अगर इस तरह का शेड आपने तो 6 महीने पहले बनाया, तो इस तरह का शेड बनवाने में कितना खर्चा आ जाएगा सर? सर शेड बनवाने में लगभग 5 से 6 लाख रुपए। 5 से 6 लाख जी। और ये शेड जो है सर कितने पशुओं के लिए आपने बनवाया है? सर मैंने 30 पशुओं के लिए। 30 पशुओं के लिए बनवाया है। जी सर। 30 से ज्यादा नहीं हो सकता? नहीं सर, नहीं सर। उसके बाद आपका फीड उस जगह पे रखा जाता है? हाँ, फीड यहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, तो सर ये जो सामने गाय दिख पा रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कौन से लैक्टेशन में है ये? फर्स्ट लैक्टेशन की है जी। अभी ये मिल्क टीथ में थी। अच्छा, इसने अभी एक दांत तोड़ा है। अच्छा, ठीक है सर। इसको सेक्सल सीमन लगा था, इसके पीछे टबास्को की बछड़ी है। अच्छा जी। तो कौन सी कितना दूध इसका कैपेसिटी हो सकता है? इसकी कैपेसिटी तो सर 40 लीटर की है। अच्छा, बट हमारे यहाँ कितना देगी? अभी इसको मुश्किल से 10-12 दिन हुआ बच्चा दिया। अच्छा, अभी फिलहाल ये 24-25 पे चल रही है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो मतलब आप अपनी डेयरी में हमेशा 25+ वाली ही पशु रखना पसंद करते हैं? जी जी, उससे नीचे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो डेयरी का भविष्य ऐसा माना जाता है सर ब्रीडिंग है जी, तो आप ब्रीडिंग पर कितना काम करें इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? ब्रीडिंग पे काम मैंने सर स्टार्ट में तो नहीं किया जी, लेकिन जब मुझे समझ आई तो मैं 2-3 साल से मैं ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और उसका रिजल्ट भी मुझे अच्छा मिल रहा है जी। जी, जैसे ये दूसरी वाली पशु हम देख पा रहे हैं, ये जर्सी में है ना? जी, ये वल्केनो। अच्छा, वल्केनो सीमन की है। अच्छा अच्छा जी। तो ये कौन सी ब्याद की है? ये सेकंड लैक्टेशन में भी है, 6th में है अभी। तो अब हम जानना चाहेंगे उसके बाद वाली के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे? ये सर लेब्रॉन की है, अभी इसने कल बच्चा किया है। अच्छा, ठीक है सर जी। ये सेकंड लैक्टेशन में है। अच्छा, सेकंड में। हाँ, पहले लैक्टेशन में इसका जो कंप्यूटर पे डाटा है 48 लीटर 400 ग्राम का है। अच्छा, 48 लीटर 400 ग्राम का। तो अभी तो बच्चा कल ही दिया, अभी तो जी, कुछ नहीं आएगी। अभी तो कुछ मतलब तो नहीं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, जैसे कल बच्चा ताजा दिया है जी, तो जैसे बच्चा देने के बाद पशु में क्या समस्या आ सकता है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे सर? सर देखिए, समस्या तो तब आती है जब उनका प्रेगनेंसी पीरियड में आपने अच्छे तरीके से केयर नहीं किया। अच्छा, फिर वो समस्या आनी तय है जी। ठीक है, अगर आपने अच्छा केयर किया तो अच्छे से जेर डाल दिया जानवर ने, अच्छे से बच्चा कर दिया, फिर कोई समस्या आती नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं वो, जो भी पशुपालक हैं सबको पता है क्या देना चाहिए। कितने घंटे के बाद सर जेर डाल देना चाहिए पशुओं को? सर मान के चलो कोई कोई तो 1 घंटे के अंदर डाल देती है, किसी को 8 से 12 घंटे भी लग जाते हैं जी। और अगर जेर फंस जाता है तो फिर क्या उसका उपचार कर सकते हैं? जेर फंस जाता है तो कुछ इंजेक्शन वगैरह आते हैं। तो पहले के जमाने में सर हमने देखा था जी कि पशु जैसे बच्चा दी तो उसको गुड़ हल्दी ये सब देना होता था, क्या अभी भी ये सब देते हैं सर? ये बराबर है। अच्छा, जैसे पशु बच्चा दी तो क्या करते हैं इसके ये सर? जैसे हम लोगों के यहाँ होता है कि 1 से 1.5 किलो गुड़, 2-3 लीटर पानी, उसमें हल्दी, अजवाइन और सौंठ, ये सब ऐड करके पका के जानवर को देते हैं। उससे एक तरीके से गुड़ की वजह से क्या होता है सर, इनको एनर्जी मिलती है, इनकी एनर्जी निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव बनी रहती है। और उसके बाद फिर और कुछ? उसके बाद में फिर क्या होता है? और फीड पर कितना दिन में लाएंगे? अभी फीड क्या दे रहे हैं इनको? नहीं, अभी तो इनको हल्का फीड चल रहा है। अच्छा, हल्का में क्या? फ्रेशर चल रहा है इनका। सिर्फ फ्रेशर चल रहा है जो बच्चा देने के बाद में दिया जाता है जी। और ये कितने दिन तक चलेगा? अभी 15 दिन 20 दिन, उसके बाद फिर बस मेन फीड पर लाएंगे। अब दूसरी वाली के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। ये गैलेक्सी की है सर। अच्छा, गैलेक्सी की है? जी जी, WWS गैलेक्सी की है। प्रदीप, तो क्या फर्स्ट टाइम में ही है? नहीं, सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम जी जी। इसका क्या मिल्क कैपेसिटी होगा? इसका मिल्क से इस समय प्रेजेंट टाइम में 24-25 लीटर है जी। तो आप जो 24-25 लीटर बता रहे हैं सर जी, तो ये हमेशा मेंटेन रहता है या कम हो जाता है? नहीं सर, अब तो कम और ज़्यादा होने का मुद्दा ये, कभी आधा लीटर कम हो गया, कभी आधा लीटर डाउन हो गया। तो पीक पर कितने दिनों तक ये सब पशु रहते हैं? अब पीक पर तो अब सर इनको आना चाहिए जी, 10 दिन के अंदर इनको पीक पे आ जाना चाहिए। जैसा सीमन हमने सुना है कि सर सीमन देने के बाद पशु जो है उसका दूध कम हो जाता है, क्या ऐसा होता है? ये सर क्रॉस ब्रीड गायों में समस्या होती है। क्रॉस ब्रीड गायों को? जी जी जी। तो कितने दिनों पर इनको सीमन ले लेना चाहिए? इनको सर आप मान के लिए 60 से 90 दिन के अंदर इनको सीमन। हाँ, तो फर्स्ट हीट में दिला देंगे या सेकंड हीट में? नहीं, सेकंड में दिलाते हैं। सेकंड में? हाँ, फर्स्ट हीट छोड़ देते हैं। फर्स्ट हीट छोड़ देते हैं जी जी। तो छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा अच्छा। तो अब हम अगली पशु के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसके बारे में। ये सर पीडीएफ के ट्राई की है। अच्छा। हाँ, ये बछड़ी है, अभी मिल्क टीथ में आएगी। अच्छा, अच्छा जी। इसका कितना अभी होगा? ये अभी 22 लीटर दूध। 22 लीटर जी जी जी। और नेक्स्ट वाली के बारे में बात करेंगे सर? तो इसके जी ये डबडे रेड की है सर। अच्छा। हाँ, डबडे रेड एक सीमन है, उसकी गाय है ये। और बछिया वगैरह के बारे में बात करेंगे तो सर किस तरह की बछिया है? बाकी ये दोनों के पास तो मिल्क काफ है जी, वो किनारे वाली पीडीएफ है, मिल्स की है। अच्छा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सर।
इसका कितना कैपेसिटी? ये फर्स्ट लोकेशन में है सर। अच्छा, मिल कैपेसिटी कितना? मिल कैपेसिटी इसमें 25-26 ये कर रही है, 27-28 भी है जा रही है। और बछिया वगैरह के बारे में बात करेंगे तो अभी आपके पास 4-5 बछिया दिख रही है सर। जी जी, ये बछिया है सर टबास्को सीमेंट की है। ये टबास्को की है? जी जी जी। उड़ो, कितने दिन? अच्छा, 2 ही दिन अभी हुए। हाँ, अभी मुश्किल से 1 हफ्ते की है जी। ये सर स्टोइक की है। अच्छा, ये स्टोइक की है? जी जी जी। चलिए सर, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए दिया है। जी जी, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।